आज सुबह 6:30 बजे जो बम रुकनुद्दौला के अंदर जहाँ पे GHMC और आपके HMDA और आपके इरिगेशन के तीनों टीम्स मिलकर बम रुकनुद्दौला के बाउंड्रीज और जो मकाना तामीर किए गए थे उसको तोड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचे। जैसे ही सदर मोहतरम अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरमोरा पार्लियामेंट को इसकी इत्तला मिली तो सदर साहब ने मुझको टेलीफोन करके कहा कि आप वहाँ पर जाइए, जो मकानात को तामीर हो रहे हैं वहाँ पर डिमोलिशन के लिए आए हुए हैं। तो मैं और हमारे इब्तदाई के सदर जनाब गफ्फार खान साहब, वहाँ के मुकामी इब्तदाई के सदर हबीब साहब मिलकर, हम तीनों मिलकर वहाँ पर गए। जाकर हमने MRO राजेंद्र नगर से और दीगर ऑफिसर से हमने बात किए कि इसकी वजह क्या है, आप लोग किस वजह से इसको डिमोलिशन कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया, ये हम नहीं कर रहे हैं कि हैड्रा वाले कर रहे हैं। तो हमने हैड्रा के जो ऑफिसर है उनसे बात करने की कोशिश की तो वहाँ पर हमको अरेस्ट करके सीधे हमको शादनगर के आगे जो 15-20 किलोमीटर पे एक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ले जाकर हमको अरेस्ट कर वहाँ पर भेज दिया गया। और फिर उसके बाद तमाम मकानात को मुनद्दम किया गया। फिर उसके बाद में जहाँ पर King's 5 के अंदर वहाँ पर भी कुछ मकानात को मुनद्दम किया गया, जहाँ पर 4-5 साल से लोग वहाँ पर अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं, आज वहाँ पर भी जाकर मकानात को छोड़ा गया। सर इसकी वजह क्या है, मकानात तोड़ने की वजह क्या? ये बताया जा रहा है कि ये FTL की जगह है लिहाजा इसको मुनद्दम कर रहे हैं। तो लिहाजा हम यही कह रहे हैं कि हुकूमत से मुतालबा हमारा यही है कि अगर आप FTL की ज़मीन थी तो उस वक्त आप जिस वक्त वो लोग पाया खोद रहे थे या फाउंडेशन डाल रहे थे, पिलर्स को डाला जा रहा था, तो वहाँ पर आप क्यों मुदाखलत नहीं करे, क्यों उनको मकानात बनाने की इजाज़त दिए आप? और कई लोग अपने बड़े बड़े मकानात बना लिए वहाँ पर और 5-5 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, आज उनको वहाँ पर इमीडिएट वहाँ पर खाली करवा कर उनके मकानात को तोड़ना, ये कौन सी बात है समझ में नहीं आई। सर ये बलिया में कोई कंप्लेन करे या बलिया खुद अपनी तरफ से जो है कदम है? ये बलिया के अंदर तो कोई कंप्लेन नहीं करे, लिहाजा ये बहुत पहले से ये चल रहा था कि जो FTL की ज़मीन है कहकर कोई एक लुबना शरबत कहकर उन्होंने ये इसके ऊपर एक केस डाला था और वो मुसलसिल उसकी पैरवी जो चिमन लाल सुरेश साहब जो ज़मीन के ओनर है King's 5 के, उन्होंने उसकी पैरवी कर रहे थे और पूरी ज़मीन के ऊपर स्टे ऑर्डर है। उसके बावजूद भी उसको भी तोड़ा गया। जब बम रुकनुद्दौला का भी हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद भी उन्होंने स्टे ऑर्डर की परवाह किए बगैर उसको मुनद्दम कर दिए। तो बलिया की इस कार्रवाई पर आपकी जमात की तरफ से पोजीशन लिया जाएगा, जब उस कार्रवाई आप लोग करेंगे? अभी इंशाल्लाह ताला जो भी कानूनी कार्रवाई होगी सदर मोहतरम को तफसीली रिपोर्ट पेश किया जाएगा, क्योंकि हमको सुबह में 8 बजे गिरफ्तार कर शाम में 5-5:30 बजे हमको छोड़ा गया और हमको आए तक 7-7:30 हो गए। लिहाजा कल सुबह में हम सदर साहब को तमाम इसकी तफसीलात फराहम करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सदर मोहतरम लेंगे। सब लोगों का एक सवाल ये भी है कि उस कॉलोनी के अंदर आपका भी घर था जिसके लिए आप वहाँ पे गए हो? देखिए, मैं जहाँ पर मेरे को अरेस्ट किया गया ना तो वहाँ पे मेरा घर था ना वहाँ मेरी कोई ज़मीन है। जहाँ पर गरीबों के मकानात को बचाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अव्वलीन मकसद है, क्योंकि हमारा ये कहना है कि आप चाहे वो कहीं से भी उन्हें लिया होगा, उस लेने वाले को ये नहीं मालूम है कि FTL की ज़मीन है या गवर्नमेंट के लैंड है, बेचने वाले बेचे लेकिन पैसे देकर तो उन्हें तो ख़रीदा है, तो लिहाजा हमारा काम है कि हम बचाना। तो हमने वहाँ पर पहुँचे, हमको वहीं से अरेस्ट किया गया और जहाँ पर जो अफवाहें चल रही है कि वहाँ पर MLA साहब का मकान भी था वो था, लिहाजा ऐसी कोई वहाँ पर मकान वगैरह हमारा नहीं था, लिहाजा हमारे दोस्त का मकान वहाँ पर तामीर हो रहा था। जाकर हम वहाँ पर डेली वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर कोई भी अगर बल्दिया वाले आते हैं तो किसा MLA साहब का मकान है, फलां का मकान है, बल्दिया वाले
वो करने के लिए लोग अब कहीं वहाँ से हटके भी कहीं पर भी मकान की तामीर होती है, कोई टाउन प्लानिंग वाला आता है तो हमारा इनाम लेकर अपने घर को बचाने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा ऐसी कोई वो नहीं है, लिहाजा जो भी चीज़ है सामने है, डरने और घबराने की बात नहीं है, लिहाजा वहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है।